कक्षा नौवीं मैम, छात्रों आज हमारा जो अंतिम पाठ है खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधन मतलब जिन पदार्थों को हम खाने में उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं खाद्य संसाधन। तो इस पाठ में हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी जीवधारी हैं सबको भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन में क्या क्या होना चाहिए, तो भोजन के जो प्रमुख घटक हैं, जैसे भोजन के प्रमुख 6 घटक हैं। भोजन के ये प्रमुख घटक हैं और ये सारे हमारे भोजन में संतुलित मात्रा में होना चाहिए। और इन सब तत्वों की, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब हमारे विकास और हमारे शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक हैं। और हमारा जो भोजन है वो जंतु द्वारा भी प्राप्त होता है, पौधों द्वारा भी प्राप्त होता है। तो लेकिन हमारा जो मुख्य भोजन है वो है पौधों के द्वारा प्राप्त होना। और इसके लिए हम खेती करते हैं, मतलब कृषि करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। तो हमें अपने कृषि उत्पादन जो भोज्य पदार्थ हैं, क्योंकि तो बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार इनका उत्पादन हमें बढ़ाना है, पशुपालन को भी बढ़ाना है, क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही है। और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमें अधिक अन्न उत्पादन करना है और अधिक भूमि, जो भूमि है वो हम भूमि तो बढ़ती नहीं है बल्कि और कम होती जाती है। तो हमें ज्यादा मात्रा में खेती करना है और भूमि मान लो संभव नहीं है तो हमें फसलों की गुणवत्ता बनानी है ताकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा विकसित हो। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि अपने कृषि और हमें जो पशुपालन है इनको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारी भोजन की आवश्यकता को पूर्ण करने के महत्वपूर्ण भाग हैं। तो हम देखते हैं कि हमने हरित क्रांति के द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की है और श्वेत क्रांति के द्वारा हमने दूध का उत्पादन ज्यादा किया है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है और हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से है। तो इन क्रांतियों के माध्यम से हमने अपनी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत उपयोग किया और इस प्रकार हमारे कभी कभी ज्यादा उर्वरक और कीटनाशक से हमारा जो पर्यावरण संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण संतुलित बना रखे और उसका कोई भी घटक मतलब दूषित ना हो। तो हमें अच्छी विकसित नवीन उन्नत कृषि और पशुपालन विधियों को क्या करना है, अपनाना है। तो हम उसके बाद जब हमारी ये फसलें उत्पन्न हो जाती हैं तो हमारा अगला स्टेप होता है उनका सुरक्षित ढंग से उनका भंडारण करना। तो इस प्रकार उन्हें गोदामों में भंडारित करते हैं ताकि हमारी भूख की जो समस्या है, पोषण अच्छा मिल सके, वो सब पूर्ति होती है। तो हम खाद्य सुरक्षा भी करते हैं, उनका उत्पादन करते हैं और उपलब्ध भी होते हैं और उनका भंडारण भी अच्छे से करते हैं। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम वैज्ञानिक विधियों का उपयोग प्रणाली मतलब वैज्ञानिक विधियों को हम अपनाते हैं, ताकि जैसे कि फसल चक्र को अपनाना, मिश्रित खेती करना, अंतरा फसलीकरण, संगठित कृषि प्रणालियां अपनाते हैं। साथ में पशुपालन के लिए भी हम जो अच्छी नवीन तकनीकी है, पशुधन, गाय भैंस, इनका पालन अच्छे से करना,
कुक्कुट पालन मतलब मुर्गियों को अच्छे से पालना ताकि उनको बीमारियां ना हो, मछली पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी जिससे हमें शहद प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि हम किस प्रकार ये जो पशु धन और फसलों का उत्पादन हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फसल उत्पादन में उन्नति, विभिन्न प्रकार की फसलों को हम उगाते हैं, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, ये सब आप जानते भी हो, बाजरा, ज्वार, ये सब अनाज, और इन्हें इनको खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और जो दाल वाले फलीदार पौधे हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। फलीदार पौधे आप जानते हो, जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, दालें हैं, जो इन सबसे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। आप चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, इनकी रोटी या चावल जो जिस रूप में खाते हैं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। 6 घटक होते हैं, प्रोटीन मिल जाता है दालों से। और तेल वाले बीज जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंड, सरसों, सूरजमुखी, अलसी, इनसे हमें वसा प्राप्त होता है, इनसे तेल निकलता है और हमारे भोजन में वसा। और सब्जियां, मसाले और फलों से हमें विटामिन मिलता है और खनिज लवण। तो पहला घटक हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा हो गया वसा, चौथा विटामिन, खनिज लवण, और पानी हम पीते ही हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 6 घटक हमें अपने भोजन में इस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। पशुओं को के लिए भी भोजन चाहिए तो चारा मिलता है, चारे वाली फसलें भी लगाते हैं, जैसे बरसीम, जई, सूडान घास, जो इन पशु धन इनका चारे के रूप में क्या करती है उपयोग। इस प्रकार हमें पेड़ पौधों या फसलों को बनाना है। जो विभिन्न फसलें होती हैं इनका परिपक्वन काल, इनके उगने की क्षमता व जलवायु पर निर्भर करता है। तापमान, दीप्त काल मतलब जब उनका उनको जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो वृद्धि करते हैं, उनका मतलब उनको कितना प्रकाश की आवश्यकता है, वो उनका दीप्त काल कहलाता है। तो पौधों में पुष्प लगते हैं, वृद्धि होना, ये सब सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं। और पौधे आपको मालूम ही है, पहले पढ़ चुके हो आप, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो वर्षा ऋतु में बोते हैं और वो अक्टूबर मास तक होती हैं, और ना जो जून से प्रारंभ होकर, और हम उनको अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं, शीत ऋतु में उगाई जाती हैं। तो इन फसलों को हम बोलते हैं, ये देखिए वर्षा ऋतु में उगाते हैं और ये अक्टूबर मास तक होती है, इनको हम बोलते हैं खरीफ की फसल। और वो फसलें जो नवंबर में उगाते हैं और अप्रैल में काटते हैं, उन फसलों को बोलते हैं रबी की फसल। तो इस प्रकार सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग, उड़द, ये क्या है, सब खरीफ की फसलें हैं, ये ठंड में कट जाती हैं। और गेहूं आप देखते हो ना, गर्मी में आता है तो वो नवंबर में उगाया जाता है ठंड में, और अप्रैल तक कट जाता है। तो ये सारी फसलें क्या हैं, रबी की फसल है। तो हमारा इसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है, खरीफ की फसल किसे कहते हैं और रबी की फसल किसे कहते हैं। तो आपको क्या लिखना है कि जो वर्षा ऋतु में उगाते हैं और अक्टूबर मास तक मिल जाती हैं, वो क्या है, खरीफ की फसल। और जो नवंबर में बोते हैं और अप्रैल में प्राप्त हो जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, रबी की फसल। ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि 1960 से 2004 तक कृषि भूमि में 25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जिससे हमारी जो फसलों की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस प्रकार हम उन्नत तकनीकियों को, उन्नत विधियों को हम शामिल करके, जैसे बीज का चुनना, बीज अच्छे होंगे, हैं, फसल की उचित देखभाल करना, फसलों की सुरक्षा करना, फसल कटने के बाद उसमें कोई रोग ना हो, उनको हानि से बचाना, तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, फसल उत्पादन
किस मतलब फसल की उत्पादन में जो 3 स्टेप हैं, ये तीनों स्टेप सही होना चाहिए। पहले किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन और फसल सुरक्षा प्रबंधन। तो अब हम पहला पढ़ेंगे, फसल की किस्मों में हम किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। तो फसल की किस्म मतलब जातियां, आप देखते हो ना चावल कितनी जातियों के आते हैं, बासमती चावल। इस प्रकार आप पशुओं की भी गायों की जातियां देखते हो, हैं? एक जर्सी गाय होती है, मुर्गी, हर हर जीवों की जातियां होती हैं, और वो कुछ गुण अपने अपने उनमें विशेष गुण पाए जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता हो, और ज्यादा उनका उच्च उत्पादन हो, तो हम ऐसी अच्छी विधियों को ऐच्छिक गुणों, ऐच्छिक मतलब अच्छे अच्छे जो गुण होते हैं उनको आपस में उनका संकरण करवा के हम अच्छे गुणों वाले पौधों को क्या कर लेते हैं, उत्पन्न करवा लेते हैं। तो ये विधि कहलाती है संकरण विधि। तो ये संकरण विभिन्न किस्मों के बीच भी हो सकता है, एक ही जीनस के दो विभिन्न जातियों के बीच में भी हो सकता है, अथवा अंतरावशीय में भी हो सकता है। इससे क्या होता है कि सारे अच्छे गुण हो सकता है अगली पीढ़ी में आ जाएं, और इस प्रकार हमें अनुवांशिकीय रूपांतरित फसल प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि फसल उत्पादन हम अच्छा उत्पादन कर सकें, जो किसान जो खेत में काम करते हैं ना उनको किसान कहते हैं, तो वो उनके लिए बीज अच्छे उपलब्ध होना चाहिए। तो सरकार बैंक के माध्यम से उनको बीज भी प्रदान करती है, जिनमें अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होने की क्या पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। तो जो कृषि प्रणालियां हैं ये हमारे मौसम, मिट्टी और पानी की उपलब्धता पर भी क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। मान लो कभी सूखा हो गया, मतलब बारिश नहीं हुई, कभी बाढ़ आ गई, तो इस प्रकार इनसे हमारी फसलों को भी नुकसान होता है। लेकिन यदि फसलों के बीज अच्छे रहेंगे तो ये विपरीत परिस्थितियों में भी क्या करते हैं, अच्छी मतलब अच्छा उत्पादन देते हैं। तो हमें मिट्टी में भी सुधार करना पड़ता है। कुछ किस्मों में सुधार करने के लिए कुछ कारक हैं, उच्च उत्पादन, प्रति एकड़ फसल की उत्पादकता बढ़ाना, उन्नत किस्में, उन्नत किस्म मतलब ज्यादा मात्रा में जैसे दाल में प्रोटीन की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, तिलहन मतलब तेल वाले जो बीज हैं उसमें तेल अच्छा निकलना चाहिए। इस प्रकार फल और सब्जियों का संरक्षण, जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, हम ऊपरी तौर से भी कीट और रोगों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जैविक तथा अजैविक, अजैविक मतलब सूखा, जल क्रांति, गर्मी परिस्थितियों के कारण यदि हमारी फसल कम हो जाती है, तो हमारी फसलें ऐसी होनी चाहिए, हमारे बीज ऐसे होने चाहिए कि उन परिस्थितियों को भी वो सहन कर सके, मतलब उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। परिपक्वन काल मतलब उनके पकने का समय, फसलों का कटाई करते, बोने से लेकर कटाई तक कम समय लगे, तो हमें कम समय में अच्छी फसल प्राप्त होगी, हमारा समय भी बचेगा और कम धन भी खर्च होगा। उसके बाद व्यापक अनुकूलता, जो अच्छी फसलें हैं उनका विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में फसल उत्पादन को स्थायी करने में सहायक होगा, मतलब पर्यावरण के प्रति वो स्थायी रहें, मतलब उनमें रो पर्यावरण को सहने की क्या हो, क्षमता हो। कभी कभी ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण, जो चारे वाली फसलें हैं, जो पशु और जानवर लोग अपने चारे के रूप में, भोजन के रूप में उपयुक्त उपयोग करते हैं, तो अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं। इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों जो तत्व होते हैं आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हम सस्य विज्ञान में भी अधिक उत्पादन प्राप्त करने में इस प्रकार विज्ञान के जो नियम है, वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाते हैं। धन्यवाद।